ड्राइवरी करनी एक इंसान को भारी पड़ गई। आपको बता देते हैं कि हिसार का ही एक ड्राइवर हिसार के सेक्टर 1-4 से लेकर के जींद के पास एक गांव है, वहां पर छोड़ने के लिए जाता है। वहां से जब वो वापस लौटता है तो उसकी गाड़ी छीन ली जाती है। पूरी रात उसे बंधक बना करके रखा जाता है। रात के 11:30 बजे से लेकर के सुबह के 6:30 बजे तक एक चश्मे की दुकान के अंदर उसे कैद करके रखा जाता है। कौन सी वो दुकान है और किसने वो कैद किया है वो पूरा मामला जानते हैं। यही वो व्यक्ति है जिसकी आंखें आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा चोटें इसकी आंख के ऊपर लगी हुई है। बेल्ट से बुरी तरीके से इसको पूरी रात पीटा जाता है। कई सारे आरोप जो है ये व्यक्ति लगा रहा है। मुझे ये बताइए, हिसार के 1-4 सेक्टर से आप कहाँ पर किसको छोड़ने के लिए गए थे? मेरे को नवीन दैया ने भेजा था जी बुकिंग के लिए, और 1-4 सेक्टर से मैंने इनके सवारी को पिकअप करा था और वहाँ से जींद गया था जी। मैं जींद से आते वक्त मेरे साथ इन्होंने छेड़खानी करी, गाड़ी गलौज करा, मारपीट करी और मेरी गाड़ी खोसने की कोशिश करी, और जो कि गाड़ी खोस ली भी गई। गाड़ी खोसने के बाद ये ड्राइव करके लेके आए मेरे को हिसार जिंदल चौक पर। वहाँ पर मेरे को काम्या ऑप्टिकल के ऊपर इनका ऑफिस है जी, वहाँ पे मेरे को 11:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक बंधक बना के 4 लोगों ने पहले पीटा, 12 बजे से पहले पीटा, सॉरी 12 बजे से नहीं, 1:30 बजे से पहले पीटा, और फिर 3 से 4 बजे के बीच में 3 बंदे और आते हैं। टोटल 7 बंदों ने मेरे को सुबह 6:30 बजे तक बंधक बनाया और मारा पीटा, और मेरे को बोला चुड़ो तुम्हारी इतनी उखात होगी कि हम जाटों को गाड़ी चलाने से मना करोगे क्या? ठीक है। और फिर मैं वहाँ से भाग कर आया तो मैंने सीधी FIR कराई 9-11 सेक्टर में, ठीक है जी। और इन्होंने मेरे को बहुत मारा सर, और सारी रात बंधक बना के रखा। इन्होंने बंधक बनाने के बाद मेरे को जाति सूचक शब्द बोले कि चूड़े तुम्हारी इतनी उखात हो गई क्या, और उस दौरान मेरी गाड़ी और मेरा मोबाइल इन्होंने खोस लिया, ठीक है। और सर मेरे साथ बहुत अपसलूक शब्द बोले इन्होंने, अपजनक शब्द बोले। बताइए हिसार से जब आप गए थे तो कहाँ कहाँ रुके थे रास्ते में? हिसार से जाने के बाद 1-4 से निकलने के बाद हम खेड़ी चोपटा गए, वहाँ से मैंने एक सवारी और ली थी इनकी, फिर उससे आगे जींद से 5 किलोमीटर आगे निर्जल गाँव है वहाँ तक हम गए थे। वहाँ से वापसी में आते टाइम मेरे साथ ये सब घटना घटित हुई है। क्या रास्ते के अंदर कोई शराब का भी किया गया था? रास्ते में वहाँ निर्जल गांव से निकलने के जींद में एंट्री होने से पहले वो एक वाइन शॉप आता है, वहाँ पर उन दो लोगों ने, संदीप जो आर्मी में है और एक है वो रोहित, उन दोनों ने ड्रिंक करी और मेरे साथ रास्ते में गाड़ी खोसने और खोसी इन्होंने मेरे को। ड्रिंक करने से पहले भी कोई विवाद हुआ था आपका? ड्रिंक करने से पहले बिल्कुल आराम से, वो हमें नहीं जानते थे, मैं उसे नहीं जानता था, ऐसे हम चुपचाप बड़ी शांति से आ रहे थे, ठीक है। ड्रिंक पीते उन्होंने अपना अपना परिचय मेरे को दिया था, मैंने अपना नाम बताया विक्रम और उन्होंने अपना नाम बताया संदीप, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, और एक रोहित उनका काम मेरे को याद नहीं, उन्होंने अपना परिचय दिया। ड्रिंक करने के बाद ये लड़ाई झगड़ा शुरू कैसे हुआ? ड्रिंक करने के बाद हम लोग जींद से जैसे ही निकले 2-3 किलोमीटर पे सुनसान रोड आया और उन्होंने चलती गाड़ी में मेरे को बोला कि गाड़ी अब हम चलाएंगे, मतलब पूरे रोब से मेरे पे दबाव बनाने के बोले कि गाड़ी अब हम चलाएंगे। तो मैंने बोला साहब गाड़ी मैं ही चलाऊँगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ से मैंने आपको लिया है वहीं मैं आपको मतलब ठीक ठाक पहुँचाऊँ। तो उन्होंने 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने बहाना किया कि हम पेशाब करने उतरते हैं, और पेशाब करने के उतरने के बहाने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रोकते ही वो उतरे और मेरे को गाड़ी से खींच के बाहर फेंका और बोला गाड़ी अब हम चलाएंगे। जब आपको बाहर फेंका उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आपने गाड़ी उन्हें दे दी? उसके बाद मैंने गाड़ी दी नहीं सर, मैंने हाथ में रिंग उसकी गाड़ी का छल्ला अपनी उंगली में फंसा लिया, और ये निशान है सर, गाड़ी की छीना करते समय गाड़ी का रिंग मेरे उंगली में अटक गया था, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपको सूचना कैसे मिली कि ये पूरी रात घर नहीं पहुंचे हैं या इनको जो है? मेरे को सूचना मिली मैम, मैं तो बाहर गई हुई थी मेरी बेटी के पास, और मैं फ़ोन पर फ़ोन करती रही, इनका स्विच ऑफ आ रहा था, और उससे मैं इतनी परेशान हो गई थी। तो मैं सुबह रात को आई तो रात को मैंने पूछा भाई मेरा बेटा कहाँ है, तो वह बोले भाई सो रहा है, किसी के साथ झगड़ा हो गया था ऐसे छोटा मोटा। तो मेरी बहू ने भी, हमने किसी ने पूरा पता नहीं था इस बात का। तो सुबह फिर ये मंडे को
उठ के आया, मैंने बुलवाया, मैं बोली जब बुला के लेकर उसको कैसे, इसने फिर मेरे को पूरी डिटेल बताई कि मम्मी फलाना आदमी संदीप नाम का लड़का हो फाइनेंस, हाँ कोई कोई भी है, मैं उनका नाम नहीं जानती, वो लेके गया मेरे को वहाँ पे बुकिंग के लिए, और फिर रात ने गाड़ी आती दफ़ा मेरी गाड़ी में से बोला गाड़ी हम चलाओगे, हमारे को दे गाड़ी, गाड़ी में से इसने देने को इनकार कर दिया, तो जबरदस्ती उन्होंने बहाना लगा कर इसको उतार के पीछे गेरा बाथरूम करा या नहीं करा, हमारे को तो मंडे को पता लगा, ये तो मार पीट के हमारे घर पे कोई नहीं था मैम, तो ये जो बंधक बनाया था तो खुद छुड़ा करके भागा या पुलिस कंप्लेंट की थी? इसने वहाँ से छूटते ही सीधा थाने में आया, उन्होंने जब उसको सुबह भी यूं कहा 3:30 बजे इसने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट करी तो फिर फंस गया, तो फिर मारूंगा तेरे को भैनचोद, गालियां के हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे हम इस वक्त थाने के अंदर खड़ी थाने के अंदर पुलिस वाले लेकर कर ली गई है, नहीं उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास थी आज ये, हाँ उनके ऑफिस से अभी पुलिस वाले खुद लेके आए हैं, हम नहीं लेके आए, पुलिस वाले खुद लेके आए। बताइए कि कौन सी गाड़ी थी और कौन सा फोन था? मैडम स्विफ्ट गाड़ी है जी, HR 20AN 1909 और एप्पल का फोन था जी इसके पास। तो फोन को लेकर के क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था? फोन के बस यही ये कह के खोसा था भाई चूड़े थम रखन लगे गई, आईफोन तुम्हारी कितनी औकात होगी भाई ये आईफोन रखने की और ये गाड़ी चलाने की, तो भाई हमारे पास तो है नहीं गाड़ी, तुम बैठ जाओ चूड़ा के पास गाड़ी है गई है, ये ऐसी वर्डिंग की है। कंप्लेंट यहाँ पर की तो गाड़ी कब बरामद की गई? आज ही बरामद की है जी 5 दिनों में। और मैडम पता क्या है, अगर 29 से लेके आज देख लो 2 तारीख होगी, 5 दिन हो गए हैं इनको, अगर बीच में इस गाड़ी का कोई भी मिस यूज होता है तो ये खुद जिम्मेवार होंगे मैडम इस चीज़ का। गाड़ी जो है लापता की खबर जो है यहाँ पर लिखवा दी मैडम, यहाँ सारी रिपोर्ट दर्ज करवा चुका है ये भाई। और मेरे 6 दिन के अंदर क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? मैडम जी अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज ये गाड़ी उठा के लेके आए हैं, एक बंदे को पकड़ के लेके आए हैं जी। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पता नहीं जी क्यों नहीं हो रही, गरीब आदमी देख के निकल रहे हो गई ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही मैडम, ये बोल रहे हैं कि वो तो है ही नहीं, वो तो ऑफिस में नहीं है, उनका नंबर दो, अगर मेरे पास मेरा फ़ोन होता तो मैं नंबर भी देता मैडम इनके, एक नहीं 3 नंबर दे सकता था, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन खोसा हुआ था, मुँह जबानी मेरे को नंबर याद नहीं थे, तो जब भी मैं आता तो पुलिस अधिकारी मेरे को यही बोलते कि पकड़वाओ, गांव में चलते हैं या ऑफिस में चलते हैं। पहले भी आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं, पहली बार व्यक्ति के कहने पर आप जिन लोगों को छोड़ करके आए थे वो कौन था? वो नवीन दैया था, वो मेरे साथ पहले से जानकार था, उसके रिश्तेदार आपका? नहीं, सिर्फ दोस्ती थी छोटी मोटी, वो भी हाय हेलो वाली दोस्ती थी, ठीक है, और उसने मेरे को भेजा था मैडम। नवीन दैया का इस पूरे मारपीट में क्या रोल है? नवीन दैया का हिसार में आते ही उसने मेरी गिरबान पकड़ के नीचे फेंका मेरे को, और उसने बोला चूड़े तुम्हारी इतनी उखात हो गई, हमें गाड़ी चलाने से मना करेगा, और मारते मारते मेरे को ऊपर अपने ऑफिस में लेके गया। आपने कहा कि आपके साथ मारपीट हुई है, क्या कोई इसका सबूत भी है, प्रूफ है आपके पास, कोई MLR कटवाई गई हो? मैडम ये मैं घबरा गया था, कोई नहीं था डर के मारे मैडम, कोई था ही नहीं, ये तो डरता मारा जाकर सो गया, कोई घर पे होगा जब भी, तो बस पुलिस में रिपोर्ट दे इसने और कुछ नहीं करा। ये चोट के निशान तो है, और चोट के निशान अभी भी है, आँख इसकी सुजा रखी है, और उनके पास है ना, उन्हीं के पास भी उन्होंने वीडियो भी बना रखा है, निशान और ये कान पे भी है, बेल्टों से मारा और उनके पास है ना, बेल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा निशान है, दिखाइए सर यहाँ तक पूरा निशान है, और सिर में सर अभी भी आप कोई भी चेक कर सकते हैं गोले उठे हुए हैं, कमर में मेरे निशान थे जो अब तो मान लो बात जाएगा किसके पास मैम, के इसके पास तो कुछ था ही कौन, फोन भी नहीं कर सका, हम तो खुद परेशान थे, जो मान ले रास्ते में कहीं मार भी सका थे ये मार देते, तो आज ये कहाँ से मेरे को बेटा दे देते, पहली मेरे आदमी को नहीं फिर बेटा भी नहीं, ये एक नंबर का जो है यो फ्रॉड है ये जो है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं एक मामला जो इस वक्त हिसार शहर के अंदर निकल कर के एक ड्राइवर को बंधक बना करके रखा जाता है पूरी रात, ऐसे आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं, हालांकि दूसरा पक्ष अगर अपनी राय रखना चाहता है तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर संपर्क कर सकता है। खैर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं इन आरोपों की इस वक्त हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की तहकीकात के बाद ही इन आरोपों की पुष्टि हो सकती है कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। खैर पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को
संज्ञान के अंदर लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द की जाए। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।